हेलो दोस्तों, आज हमने देखा कि वायर लगाने पे ये कूलर नहीं चला, तो हम देखते हैं खोल करके कि क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, ये 4 पेंच लगे हैं। इनको 4 पेंच को आउट करके ये ग्रिल ऐसे बाहर लगा देंगे, ये ग्रिल बाहर आ जाएगी। और ग्रिल के बाहर आने पे फिर ये पैनल खुल जाएगा, इसका ये पैनल हम खोल लेंगे। पैनल खोल ओपन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसमें सप्लाई क्यों नहीं आ रही है, कहीं वायर में दिक्कत है या और कोई प्रॉब्लम है। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ये एक स्विच है, ये सप्लाई आ रही है और सप्लाई आ रही है, ये टेस्टर जल रहा है। और इसकी दूसरी वायर में भी टेस्टर जल रहा है, इसका मतलब है कि इसकी केबल ख़राब है। अब हम केबल को चेंज करते हैं, चेक करते हैं केबल को, केबल ख़राब है, इसकी मेन वायर ख़राब है, पता नहीं आना चाहिए। जैसा कि हमने इसको चेक किया तो इसमें जो है केबल इसकी ख़राब निकली है। अब हम केबल चेंज कर देते हैं इसकी, क्योंकि दोनों में टेस्टर जल रहा था। दोनों में टेस्टर जलने का मतलब है कि इसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा था पीछे से, न्यूट्रल वाली वायर इसकी ख़राब है। इसको हटा देते हैं, हटा देंगे, चार डाल देते हैं। अब हमने ये वायर चेंज कर दी है और वायर चेंज करने के बाद अभी हमारा चालू हो गया है। ये देखिए, ये वायर ख़राब थी और इसको फिर हम ग्रिल को वापस ऐसे ही लगा देंगे। पहले ही इसमें दोनों में आ रही थी सप्लाई इसकी वायर में, अब केवल एक में सप्लाई आ रही है, जिससे कि इसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा था और ये नहीं चल रहा था। अब हम फिर से इसको लॉक करके बंद करके और फिर इसकी ग्रिल लगा देंगे, लगा के चल।